सकती जिले के मलदा गांव के तीर्थयात्री सुरक्षित वापस अपने गांव पहुंच चुके हैं। बता दें कि दो बस में लगभग 70 की संख्या में मलदा के लोग रामेश्वरम की यात्रा पर गए हुए थे, जहां से वापस लौटने के समय कटक उड़ीसा के महानदी पर बने मुटली बैरियर में शुल्क को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने बस में बैठे तीर्थयात्रियों से मारपीट की, साथ ही बस में भी तोड़फोड़ की गई थी। ग्रामीण इस तीर्थ यात्रा गए हुए थे, जहां कटक में उनके साथ मारपीट हुई थी। आज जी बताएंगे, आप लोग कटक यात्रा से वापस आते समय कटक में आपके साथ मारपीट हुई, क्या कुछ घटनाक्रम है और क्या कुछ कार्रवाई की गई वहां के प्रशासन के द्वारा? हम लोग जब पुरी से यात्रा कर संबलपुर की ओर आ रहे थे, तो महानदी टोल गेट के पास टोल गेट वालों के द्वारा मारपीट किया गया हम लोगों के साथ, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है, बस में भी तोड़फोड़ कर दिया गया है। फिर हमने 112 डायल के प्रशासन के द्वारा हम लोगों को वहाँ से सुरक्षित अच्छागढ़ थाना लाया गया और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की गई, सोने की व्यवस्था की गई और वहाँ से सुरक्षित पहुँचाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा दो बसें की गई और आज हम सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँच गए हैं। क्या कुछ घटनाक्रम थी और किस प्रकार से घटना हुआ, पूरी जानकारी आप बताएं। घटना ये हुई थी, जब महानदी ब्रिज पार किए तो वहाँ पता चला कि वो टोल जो नाका था जहाँ पे घटना हुई, वो अवैध तरीके से हो रही थी। तो अवैध तरीके से हुई, फिर भी अब बाहर से गए हैं यात्री हैं तो ज़्यादा बहस नहीं कर सकते थे, तो हम फिर उसके बावजूद भी हम उनको टोल का फीस जो है वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो लोग कुछ ज़्यादा ही मांग किए, तो जब ये मांग हम नहीं सह पाए तो फिर हम बोले कि नहीं, गाड़ी यही रहते हैं, फिर जो भी होगा 112 डायल करके बुला लेंगे। तो फिर वो लोग ना किसी का इंतजार किए ना कुछ नहीं, बाहर से फ़ोन किए, गुंडे बुलाए और डंडा से मारपीट करना शुरू कर दिए। टोल नाका में शुल्क राशि को लेकर इन लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट चालू हुआ और जिसमें यात्रियों को चोटें आई हैं, कुछ लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इनको सुरक्षित वहां से बस से वापस लाया गया है, जिसके बाद ये अपने गांव मलदा गांव पहुंचे हुए हैं। ये सारी घटनाक्रम कटक उड़ीसा की है। राजू लोचन साहू, NH 24x7 शक्ति।